Hey guys, welcome back. This is a boy Aman. बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अमन भैया आपका सिल्वर प्ले बटन कहाँ है, अभी तक आया है कि नहीं, कब आएगा। So guys, finally मैं आपको बता दूं, मेरा सिल्वर प्ले बटन जो है वो आ चुका है और मेरा सिल्वर प्ले बटन आपको देखना है ना। So guys, मैं फाइनली आपको दिखा देता हूँ। So guys, ये रहा मेरा सिल्वर प्ले बटन, अमन डांसर रियल का सिल्वर प्ले बटन। सो गाइस, ये सिल्वर प्ले बटन देखते ही है ना, मुझे, मेरी दोनों बहनों और मुझ पर है ना, खुद पे बहुत ही है ना प्राउड फील होता है। अभी भी हम लोग थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो हमारे पास तो सिल्वर है ही, लेकिन थोड़ी समय के बाद हमारे पास गोल्डन प्ले बटन भी आ जाएगा। पास से देख लीजिए मेरा सिल्वर प्ले बटन, अमन डांसर रियल फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स। मेरा सिल्वर प्ले बटन जो है वो 1 महीने पहले ही आ चुका था, लेकिन मैं अपने घर के लोगों को है ना नहीं दिखाया था कि हाँ मेरा सिल्वर प्ले बटन आ चुका है। मम्मी जानती थी कि हाँ मैंने अप्लाई किया है, लेकिन मम्मी को पता नहीं था कि सिल्वर प्ले बटन आ चुका है घर में। सो फाइनली अब आ चुका है मेरा सिल्वर प्ले बटन। सो फाइनली अब मैं ना पायल, खुशबू, मम्मी और पापा को दिखा देता हूँ कि देख लो मेरा सिल्वर प्ले बटन, क्योंकि वो लोग को है ना बहुत दिन से है ना इंतजार था कि कब आएगा। सो आ चुका है तो क्यों ना उनको दिखाया जाए और सरप्राइज किया जाए। खुशबू, हाँ? ये देख, क्या है ये? ये है अमन डांसर रियल का सिल्वर प्ले बटन। यस, ये बहुत दिन पहले, इसमें ना हम अपना फेस भी देख सकते हैं। खुशी तो देखो इन दोनों की। मैंने ना बहुत सारे यूट्यूबर्स के घर पे देखा था ऐसा सिल्वर प्ले बटन, तो मेरे को भी ऐसा था अंदर से कि हमारा कब आएगा, लेकिन फाइनली आ चुका है। यस, बहुत दिनों के बाद है ना। Yes, आपने कुछ नोटिस किया? नहीं। वो देखो, अरे ये क्या है? सिल्वर प्ले बटन। आप बोल रहे थे ना कि मंगा, वही है। ये है। Yes, असली है, असली, प्रैंक नहीं हो रहा। मम्मी, इसके लिए बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमने भी किया, हमारे पास भी आ चुका है। यस, मम्मी को पता था कि आने वाला है, लेकिन मम्मी को नहीं पता था कि कब आएगा, है ना मम्मी? नहीं, वहां लगाएंगे। यस यस, ये वाओ, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, मतलब हमारे पास बहुत ही छोटी छोटी ट्रॉफीज थी, लेकिन अब हमारे पास एक बड़ा सा सिल्वर प्ले बटन है। हाँ, आ गया। यस, पापा एक्साइटेड देख कि कब आएगा, लेकिन हाँ, वो अभी है ही नहीं, बाद में दिखा देना उनको, ठीक है? ठीक है। सो गाइस, अभी ना मैं जा रही हूँ अपने सिल्वर प्ले बटन के साथ फोटो क्लिक करने, और फिर ना मैं स्टेटस पे डालूंगी और सबको बताऊंगी कि मेरा सिल्वर प्ले बटन आ चुका है। तेरा? अरे मतलब हम तीनों का आ चुका है सिल्वर प्ले बटन। यस, चल खींच ले। हाँ। पता है, तू अपने फ्रेंड्स को बताएगी ना? हाँ। वो लोग एक्साइटेड है ये देखने के लिए। हाँ। जरा देखिए पायल का पोज। खींच ले सेल्फी से। ओहो, खुशबू को ना 21 दिन का ना दिवाली वेकेशन जो है वो मिला है, जिसमें से खुशबू ने ना 18 से 17 दिन जो है वो मम्मी के साथ ना इधर उधर है ना घूम के आई है, मतलब एंजॉय किया है। और लास्ट के समय पे देखो खुशबू क्या कर रही है, फटाफट से ना अपना दिवाली वेकेशन का जो होमवर्क है ना वो कर रही है। और इसे देख कर ना मुझे अपने बचपन की जो है याद आ रही है कि हाँ, मैंने भी है ना अपने ना बचपन में ऐसे ही किया है, पहले तो बहुत ही एंजॉय किया और लास्ट टाइम में फटाफट से ना होमवर्क किया है। खुशबू, हाँ? कितना होमवर्क बाकी है, सच सच बताना। देखो, मुझे टोटल 8 प्रोजेक्ट मिले थे। हाँ? उसमें से मैंने बस एक ही किया है, बाकी सब बाकी है। वाह वाह, बड़ा महान काम किया है आपने खुशबू। अरे भैया, एक बात बताऊं? हाँ बता। मैंने अकेले महान काम नहीं किया। हाँ तो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना मेरे क्लास में, हाँ? वो भी है ना एंड में प्रोजेक्ट करते हैं। तो तू भी एंड में ही करेगी? हाँ। ये सब ऐसा नहीं करते खुशबू, अपना ना होमवर्क जो है वो पहले कर लेते और फिर एंजॉय करते हैं। और तेरी वजह से पता है ना हमने एक ट्रिप जो है वो कैंसिल की है। कोई बात नहीं, हम दूसरे ट्रिप पे जाएंगे। इसकी वजह से हम रन ऑफ कच्छ नहीं जा पाए इस बार। गाइस, अगले साल है ना आपको वो ब्लॉग देखने को मिलेगा, डोंट वरी। खुशबू का ना मैं आपको है ना प्रोजेक्ट बुक बताता हूँ जो है ना 6 महीने पहले उसने किया था, और ऐसा ही कुछ है ना न्यू भी करना है। सो वो कर रही है अपना, वो तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन पुराना वाला तो दिखा सकता हूँ। सो गाइस, रुको मैं बताता हूँ।
सो गाइस ये रहा हिंदी का प्रोजेक्ट. हिंदी नहीं है भैया, संस्कृत है. अच्छा संस्कृत का प्रोजेक्ट ये रहा. देखो कितनी मेहनत करती है ये लड़की सच में. और ये रहा हिंदी का प्रोजेक्ट. सुनीता विलियम्स का चरित्र चित्रण कीजिए का प्रोजेक्ट है. देखो गाइस बहुत मेहनत किया है खुशबू ने, बहुत ही क्रिएटिविटी से बनाया है. बहन किसकी, अमन डांसर रियल की? हाँ गाइस मेरी बहन है तो थोड़ा तो क्रिएटिविटी आया गई. और ये देखो एसएस का प्रोजेक्ट है ये, है ना, सोशल साइंस का है ना. हाँ. ये सोशल साइंस का है देखो. और ये वाला जो है वो साइंस का है, से नो टू प्लास्टिक. और ये जो है वो गुजराती का प्रोजेक्ट है. देख लो रेलवे स्टेशन ना चित्र चौटाड़ी पांच वाक्य लखवा. और ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो है इंग्लिश का, जिसमें खुशबू को है ना अपने पिकनिक के बारे में लिखना था. तो वो जैसलमेर गई थी ना, पता है ना आपने ब्लॉग भी देखा होगा, उसके बारे में लिखा है खुशबू ने. देखिए गाइस और पिक्चर्स भी लगाए हैं. बहुत मेहनत किया बच्ची ने. बस ऐसा ही कुछ इस साल भी बनाना है, जिसे बनाने में इसको मुझे पता है एक हफ्ता तो लगने वाला ही है. फिलहाल ना मैं खुशबू की ना हाइट नापने वाला हूँ, क्योंकि खुशबू है ना सबसे कहती रहती है ना कि मैं भैया से लंबी हूँ, और मेरे को बहुत ही दुख लगता है खुशबू ऐसे बोलती है. सो आज तो फैसला हो के रहेगा कौन लंबा है. भैया मैं सिर्फ अकेली नहीं बोलती कि मेरी हाइट आपसे लंबी है, मेरे साथ पूरी जनता बोलती कि मेरी हाइट आपसे लंबी है. देख ही लेते आज तो फैसला होकर ही रहेगा. चलो गाइस नापते हैं खुशबू की हाइट. थोड़ा सा हमारा ये नापने वाला थोड़ा खराब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, नाप के तो हम रहेंगे. सो खुशबू पैर के नीचे रखो इसे, और देखो गाइस देखो इसकी हाइट कितनी है. सो इधर देख लो आप, 5'4" है ना. हाँ 5'4" है. अब गाइस मेरी हाइट नापते, देखते मेरी कितनी है. ठीक है. हाँ मेरी ज्यादा लंबी हो. तेरा देख 5'4" से है ना, देख तेरा है ना 5'3" और 5'4" के बीच में है. ओके तो थोड़ा दूर जाके दिखा. देखो गाइस सच में नाप रहा हूँ, ऐसे फेक नहीं कर रहा हूँ. देखो 5'4" ही है मतलब मेरी भी. नहीं आपकी 5'3" है. नहीं 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 हम दोनों बराबर है. नहीं मैं उससे लंबी हूँ. हो जा लंबी, अच्छी बात है ना, हीरोइन बनेगी तो अच्छा लगेगा है ना. भैया अगर मैं इतनी होगी तो आप कैसे लगोगे. मैं कुछ नहीं लगूंगा, मैं कॉर्नर में जाके रोऊंगा कि मेरी क्यों रह गई हाइट बढ़ना स्टॉप. कोई बात नहीं आप भी इतनी बड़ी बड़ी हील्स पहन के घूमना. ओके ओके अब गाइस पायल का हाइट नापते हैं. नहीं गाइस अब हमें ना पायल की हाइट जो है वो नापने वाले हैं. तू ना करेगी फिर भी नापेंगे. लंबी है. हाँ इसमें शर्माने वाली क्या बात है, पर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे. नहीं उड़ाएंगे. चल चल खुशबू नाप. ऐसा कुछ होता नहीं है कि हाइट लंबा होता है तो बहुत ही अच्छा होता है, छोटा होता है तो बहुत ही खराब होता है. ऐसा कुछ एवरीवन इज बेटर इन देयर ओन वे. सही बोला. सो गाइस देखते हैं पायल की हाइट कितनी है. ओ आज रिवील होने जा रहा है. सो ऐसे नहीं करते, ऐसा सीधा रख. ये इतना मतलब कितना, 5'2" है. 5'2" नहीं है, 5'3" है. ठीक है. नहीं नहीं 5'2" है ना खुशबू. 5'2" है. 5'2" है. देख ऐसे ही पता चल जाएगा 5'2" है. देख इतना सा गैप है तेरा. नहीं नहीं तेरे बोलने से नहीं होगा. अभी फिलहाल है ना हमारा सब कुछ हो चुका है, किसकी कितनी हाइट है अब रिवील हो चुका है. ठीक है. हाँ, अभी देखना मेरी हाइट ऐसे बढ़ेगी. बढ़ा दे अच्छी बात है ना. पहन के बढ़ेगी. मम्मी की भी हाइट हम नाप कर देखेंगे, मम्मी की हाइट कितनी है. सो मम्मी यहाँ पे पैर रखो. यस देखते हैं खुशबू कैमरा पास में लाओ. मम्मी है ना ऐसे ऊंचा हो रही है. मम्मी सीधे खड़ी रहो ऐसे. हाँ देखो गाइस मम्मी की हाइट है 5'1" वाह मम्मी वाह. हमसे सिर्फ 3 इंच छोटी हो. इंच ना. हाँ. हमसे सिर्फ 3 इंच छोटी हो. छोटी नहीं बड़ी हूँ उम्र में. मम्मी ने बहुत कम सामान दे दिया है खुशबू को पकड़ने के लिए. बहुत ही कम है, ये तो कुछ भी नहीं है. जा खुशबू रखा. अभी पापा गाड़ी को खोलेंगे ना तब तक. ठीक है जा खुशबू बता तो दे हम कहाँ जा रहे हैं. हम जा रहे हैं मंदिर. यस yes, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे हम लोग नहीं गए थे. बट मुझे ये नहीं पता कि कौन से मंदिर जा रहे हैं. वो तो सिर्फ मम्मी पापा को ही पता है. अच्छा सिर्फ हमें है ना मम्मी पापा ने बोला था कि मंदिर जाना है, रेडी हो जाओ. तो हम रेडी हो गए. लोग तो आपको बताना भूल ही गए कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं. सो गाइस हम लोग जा रहे हैं लांभा मंदिर. सो गाइस लांभा मंदिर जो है वो है ना वन ऑफ द फेमस मंदिर है अहमदाबाद का. सो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं. बहुत दिन हो चुका था हम है ना वो वाली मंदिर में ना नहीं गए थे. आई थिंक है ना 3-4 साल हो चुका है ना खुशबू. हाँ मैं याद है हम लोग बचपन में ही गए हैं.
सो अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं। कहीं भी जाते हैं ना हमारी जगह जो है ना वो फिक्स रहती है। इस साइड जो है वो मैं बैठता हूँ, इस साइड जो है वो खुशबू बैठती है, और मम्मी के ना पीछे जो है वो बैठती है पायल। ये हमारी जगह जो है वो परमानेंट है, ये जगह हमारी ना कभी भी नहीं बदलती। लेकिन अगर हम गांव अगर भैया गए ना गाड़ी से, हाँ? तो हमारी जगह बदल सकती है। नहीं बदलेगी, यही रहेगी, मुझे पता है। मैं अपनी जगह किसी को बैठने ही नहीं दूंगा। हमने पूजा कर ली है और हम सही समय पे है ना मंदिर पहुंच गए थे। So, है ना हमें आरती करने को भी मिल गई। यस, और इसी बात पे हमें ना बहुत अच्छी सी खुशी मिली है ना, और इसी बात पे मैं प्रसाद खाने वाली हूँ। खुशबू का फेवरेट लड्डू है ना। हाँ, इधर का लड्डू है ना पूरे घी में बना होता है। बचपन में खुशबू है ना हमसे लड़ाई करती थी कि मम्मी पूरा एक मुझे लड्डू चाहिए, एक मुझे पूरा लड्डू चाहिए ना। हाँ, सो इस बार भी है ना मैं एक पूरा लड्डू खाने वाली हूँ। ठीक है, खा ले। तीनों का है ना बहुत जोर से भूख लगी है, सो हम मम्मी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आज प्लीज आज के लिए हमें ना स्ट्रीट फूड खिला दो। मम्मी क्या है, प्लीज खिला दो ना स्ट्रीट फूड आज के लिए। नहीं नहीं, घर पे खाना बनेगा तो खाना। नहीं, खिला दो ना, देखो कितनी अच्छी स्ट्रीट फूड है, देखो ना मम्मी। ठीक है चलो खिला देते हैं। पक्का? हाँ, जो मर्जी वो। हाँ ठीक है ना। हाँ, फिर गुस्सा मत करना कि मेरे बहुत पैसे खर्च कर देते हो तुम लोग। हम गुस्सा करते हैं? यस, नहीं करते हैं। मैं जो मर्जी खाना है ना, तो मैं बताओ क्या क्या खाऊंगी। क्या? मैं मंचूरियन खाऊंगी, हक्का नूडल्स खाऊंगी, सूप पीऊंगी, फ्राई राइस खाऊंगी, ड्राई फ्राई राइस। रहने दे। इतनी तो तेरे पेट में जगह नहीं है जितना तू नाम बता रही है। मेरे पेट में बहुत जगह है। पायल सुन ना। हाँ। तेरे लिए क्या लाऊं बता। अरे मेरे लिए वड़ा पाव लेके आना। ठीक है, और खुशबू तेरे लिए? मुझे है ना आप जो अपने लिए लाओगे ना वो लेके आना। ठीक है, मैं तो है ना मंचूरियन फ्राई राइस खाने वाला हूँ। हाँ तो मैं भी वही खाऊंगी। देखा कॉपी कैट कौन करता है। खुशबू मम्मी पैसे दो। नहीं पैसा। मजाक मत करो, दुकान आ चुकी है और हमें है ना 400 रूपए लगेंगे। नहीं हमारे पास पैसा नहीं है। मम्मी हमें पैसे दे दो, हमें बहुत ही जोर से भूख लगी है। कितना है ये? कितना है ये? 100 और 200 और 100, मतलब 400 है। इसमें से 40 रूपए बचेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, खा लेना। हम लोग ना अपना जो खाना है वो पैक करवा कर घर पर लेकर आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर है ना बैठकर खाने की ना सुविधा जो है वो नहीं थी, और गाड़ी में हम कैसे खाते बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता। सो पायल के लिए हम लोग खाने में लेकर आए हैं ये सैंडविच। पायल को दाबेली खाना था लेकिन उसका फेवरेट दाबेली था नहीं, सो लास्ट ऑप्शन सैंडविच था, तो हम लोग सैंडविच लेकर आ चुके हैं। और पापा मम्मी के लिए लेकर आए हैं वेज मंचूरियन ड्राई। ने अपने लिए लिया है ये ग्रेवी राइस, बहुत ही टेस्टी लगता है। और खुशबू ने बोला था कि जो आप अपने लिए लोगे वही मेरे लिए लेना, सो खुशबू के लिए भी ये पूरा का पूरा ग्रेवी राइस लेकर आया हूँ। सो फटाफट से अब हम लोग खाएंगे और एंजॉय करेंगे, और क्या। आपने कुछ नोटिस किया, मैंने अपना हेयर स्टाइल जो है वो चेंज करवा लिया है, क्योंकि ये लड़की और ये लड़की और मम्मी कहाँ गई, मम्मी वहां पे काम कर रही है। वो लोग मेरा हर जगह है ना मजाक उड़ाते थे कि देखो इसकी हेयर स्टाइल, देखो इसकी हेयर स्टाइल। सो इन लोगों से परेशान होकर मैंने अपना हेयर कटिंग जो है वो करवा लिया है, और अब बताओ गाइस मेरा हेयर स्टाइल कैसा दिख रहा है। और वैसे भी है ना भैया, इसके आगे वाला जो हेयर स्टाइल आपका था ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं तेरे को नहीं पसंद था, लेकिन मेरे को बहुत पसंद था, लेकिन तुम लोग हर जगह मेरा मजाक उड़ाते थे, इसलिए मैंने है ना हेयर कटिंग करवाया है तुम लोग की वजह से। आह, तो मतलब तेरी इसमें कोई मर्जी नहीं थी? नहीं थी, वरना तू कटवाता भी नहीं, रहने दे। पापा भी बोले थे कि हेयर कट करवा लो, अच्छा नहीं दिख रहा है, इतने लंबे लंबे बाल अच्छे नहीं दिख रहे हैं। सो मैंने आखिरकार करवा लिया है, अब मेरी हेयर स्टाइल ऐसी ही रहेगी, अब मैं ऐसे ही रखूंगा अपनी हेयर स्टाइल। और भैया एक बात बताऊं। बता। जब हम साथ में बैठते थे ना तो आपके हेयर है ना मेरे कानों में आते थे, अब नहीं आएंगे। होप करता हूँ गाइस आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय 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 बाय।